हिंदू रक्षा, हिंदू जीवन, मूल्यों की रक्षा के लिए राष्ट्र रक्षा का संकल्प धारण करना, ऐसे विचारों को लेकर विश्व हिंदू परिषद घर घर पहुंचकर संपूर्ण परिवार को हित चिंतक बनाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी गन्नी चौकसे और विभाग मंत्री राजेश बिंजवे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार पूरे देश में केंद्र की योजना से घर घर पहुंचकर अपने नए हित चिंतक बनाता है और इसी कड़ी में इस बार नवम्बर माह को हित चिंतक माह चुना गया है। देखिए खास रिपोर्ट। आपसे एक विनम्र आग्रह के बीच उपस्थित हुआ हूँ। विश्व हिंदू परिषद द्वारा भव्य रूप से एक वृहद कार्यक्रम हित चिंतक अभियान चलाया जा रहा है। हिंदू हितों की रक्षा के लिए हम राष्ट्र निर्माण में आगे आए और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े। आज लव जिहाद, लैंड जिहाद, गो हत्या, तमाम समस्याएँ हमारे सामने खड़ी है। अगर इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना है तो प्रत्यक्ष रूप से हम इस संगठन से जुड़े, और वह संगठन जिन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने गंतव्य तक पहुंचाया, जिसने राम सेतु निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, बर्फानी अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों की चुनौती को स्वीकार कर आज निर्विघ्न रूप से वर्षों से हमारी अमरनाथ यात्रा चल रही है, सेवा सुरक्षा संस्कार के भाव को लेकर बजरंग दल द्वारा जिस तरीके से हिंदू समाज की आज रक्षा की जा रही है, ऐसे स्वाभाविक संगठन से हम जुड़े और देश हित में आगे आए। धर्मो रक्षति रक्षिता का भाव लेकर विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज में कार्य करता है, उसकी मुख्य धारा से जुड़कर हम भी हित चिंतक बने। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में आएंगे। परिवार हित चिंतक के रूप में इस बार यह अभियान है। अधिक से अधिक जुड़कर हिंदू समाज को सुदृढ़ता पहुंचाएं और हिंदू राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका निभाएं। जय श्री राम। 1964 से विश्व हिंदू परिषद निरंतर देश और विदेश में हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा है। 6 नवंबर 2022 से 20 नवंबर तक पूरे देश में घर घर हित चिंतक अभियान चल रहा है। संगठित हिंदू, संस्कारिक हिंदू, ऐसे भाव को लेकर प्रत्येक परिवार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, पूरे परिवार को हित चिंतक बना रहे हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि स्वयं हित चिंतक बने विश्व हिंदू परिषद का, अपने परिवार को बनाएं एवं अपने आसपास के निवासियों को विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक बनाएं। जय श्री राम।